रोगी आओ कथा सुनाते बाता था जिने आतम कारणी परिमातम उन महापुरुषों की अहो हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, अहो हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। एक कथा, एक ऐसे परिवार की कथा जिस परिवार में मुक्ति की इस प्रहार लगी हुई थी, मंगलमयी उस कथा का अपन प्रारंभ करते हैं। कथा के प्रथम दिवस की वाचना प्रारंभ करते हैं। कथा के नायक हैं विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती श्रीपाल। ये श्रीपाल महाराज कोटिवट श्रीपाल जो भरत क्षेत्र में हुए हैं उनसे पृथक हैं। विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती श्रीपाल की मंगल कथा की वाचना मंगलमयी मंगलाचरण के साथ में अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविषाऊनं मंगलं भगवान वीर मंगलं गौतम गणि मंगलं कुंद कुंदा जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याणकारिकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शांशिनं नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायिति सर्वज्ञशासञ्जयवन्ति वर्ते निर्गन्थिशासञ्जयवन्तु वर्ते यही भावी अविचिन्न रहता है मन में सर्वगिशा संजयवंत परिवार हो तो ऐसा हो हम गाता गाते हम तिमें दिखाते हैं चक्री श्रीपाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनी पुराण या सो जीवन बने महान जम्बुदीप पूर्व विदे पुंडी कणी नगरी सुजान गुणी पालन पिराज करे न्याय बानी गुणी खान ससुरानी कुबेर सिरी शील परायण दिखाते हैं चक्री श्रीपाल की मंगल कथा सुनाती जम्बुदीप पूर्व विदेह क्षेत्र
उस पूर्व विदेह क्षेत्र की जम्बू द्वीप, पूर्व विदेह क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुंडिकनी नाम की नगरी और वहां पर गुणपाल नाम के राजा निवास करते थे। भी गुणपाल गुणों के पालन करने वाले, समय दृष्टि धर्मात्मा, परद्रव्य प्रभावों से न्यारे, अपने चिदघन चैतन्य के रसिया, राज्यकारियों में रहते हुए भी उन सब से विरक्त, अपने स्वय स्वरूप में रक्त, ऐसे गुणपाल महाराजा के धर्म परायण, शीलादि गुणों से विभूषित महारानी का नाम था कुबेर श्री। उन कुबेर श्री महारानी ने, जिनके चित्त में धर्म का वास था और उनके अंगना में एक खुशी आई, बसु काल अरु श्रीपाल दो पुत्रों को जन्म दिया, बसुपाल अरु श्रीपाल दो पुत्रों को जन्म दिया, धर्म संस्कार दे उनको सजाया, धर्म दिया तो सब कुछ दिया, श्री गुरु कहते हैं चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। दोनों पुत्रों को जन्म दिया, वो एक पुत्र का नाम था बसुपाल, बड़े पुत्र का नाम था श्रीपाल। श्रीपाल और बसुपाल दोनों को धर्ममय संस्कार दे रहे हैं। माता पिता ने अद्भुत मंगलकारी संस्कार बचपन से ही उनको दिए थे। और पहले का वचन याद करो, बचपन के संस्कार ही जीवन के श्रृंगार बनते हैं। संस्कारवान बालक बालिकाएं सर्वत्र शोभा को पाते हैं। धर्म के संस्कार ही हमको हमेशा बचाने वाले होते हैं। सुविधा की अपेक्षा संस्कार देना श्रेयस्कर है। जिन माता पिताओं ने धर्म के संस्कार दिए, उन्होंने क्या नहीं दिया, लौकिक अलौकिक सर्व संपदाएं दी हैं। तो उनको मंगलमयी संस्कार दिए और दोनों कुमार युवा अवस्था को प्राप्त हुए। महाराज गुणपाल वस्तु स्वरूप के विचारक, इधर पुत्र योग हो गए थे और वे अपने वैराग्य को बढ़ा रहे थे। और एक दिवस वो आनंदमयी घटना घटी, ज्ञानी के अंदर में ये भावना निरंतर रहा करती है कि मैं किसी इस सांसारिक प्रपंच को छोड़ करके कब मंगलकारी मंगलदायिनी ज्ञानेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करूंगा, और अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि सफल ना हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। और एक बार क्या होता है, संसार की असारता का विचार कनि गुणपाल ने लिया वैराग, सारी समय सारी लग संसार की असारता का विचार कर गुणपाल ने वैराग लिया, सारी समय सार लक दीक्षा का निर्णय किया,
श्री पाल को राज तिलक कर जिन दीक्षा गेते हैं, श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी महान। महाराज गुणपाल संसार की असारता और स्वरूप की सारता का विचार करके वैराग्य को धारण कर लिया। पीछे की लाइट जल रही है व्यर्थ, इसको बंद कर देना। संसार की असारता और स्वरूप की सारता को ग्रहण करके महाराज गुणपाल ने वैराग्य का निर्णय किया। वैराग्य असार को देख करके ही नहीं, वैराग्य तो सार को देख करके, सार के बल पर असार लगता है, अभिन्न के बल पर ही भिन्न दिखाई देते हैं। वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव भिन्न हैं, ये चैतन्य से अभिन्न होने पर ही भाषित होते हैं। और उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया है दीक्षा का, तब बड़े पुत्र श्रीपाल को बुलाया, राज तिलक किया है। सब रोक रहे थे, लेकिन जो चैतन्य के रसिया होते हैं, किसी गाथा में पुरानी पंक्ति आपने पढ़ी होगी, निज को लख लिया बैराग उन्हें कोई रोक न पाते। इन्हें चैतन्य का रस वासा है, जिन्हें आत्मिक रस वासा है, उनको कौन रोक पाए। बड़े पुत्र को राज्य तिलक किया और छोटे पुत्र वसुपाल को यवराज पद दिया और आप श्री गुरु के निकट जा करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। गुणपाल महा मुनिराज की जय हो। युवराज पद वसुपाल को दिया था अरे भाई, न्याय पूर्वक राज्य संभाल रहे दोनों भ्राता भाई, न्याय पूर्वक राज्य संभाले दोनों ही सुखदाई, ज्ञान विराग शासन ये दोनों में पाते हैं, श्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। पुराणकार कहती हैं, जैसे ज्ञान और वैराग का बड़ा ही स्नेहा, जहां ज्ञान होता है वहां वैराग होता है, जहां वैराग होगा वहां ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना का वैराग्य तो रुंधी हुई कसाय है और वैराग्य बिना का ज्ञान तो शुष्क ज्ञान है। ज्ञान की और क्रिया की बड़ी मैत्री बताई है आचार्य भगवान ने। और जैसे उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का बड़ा स्नेहा, ऐसी वसुपाल और श्रीपाल का बड़ा स्नेहा, दोनों ही हिल मिल करके बड़े आपस में बड़ा प्रेम स्नेह, दोनों ही धर्मात्मा, दोनों ही ज्ञानी, दोनों की भावना पवित्र है। और बड़े भाई श्रीपाल राजा थे और छोटा भाई वसुपाल युवराज पद में राज्य की संभाल कर रहे थे। महाराजा श्रीपाल सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, चैतन्य के रसिया, जगत से विराग स्वरूप में अनुराग, और ऐसे सारे राज संभाल रहे थे। तभी उनको एक खुशी का समाचार मिला, राज्य निज स्वभाव साधन रहते गुणपाल महामुनिराज, सहज ज्ञान का आराधन करे बन गए जिनराज। बोलो श्री गुणपाल भगवान की जय। जो उनके धर्म पिता थे और आज त्रिलोक के पिता थे, ऐसे गुणपाल महामुनिराज ने निस्वभाव साधन के द्वारा, निस्वभाव साधन रत होकर के
सहज ज्ञान की भावना को भाते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। भगवान नियम सार में कहते हैं ये केवल ज्ञान का आवास है, ये सहज ज्ञान। केवल ज्ञान कहाँ मिलेगा कि यह सहज ज्ञान की आराधना से केवल ज्ञान आता है। और ये सहज ज्ञान जो सहज पने धारा प्रवाह रूप से बह रहा है, आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी अनंती केवल ज्ञान पर्यायों की खान है सहज ज्ञान है। इसलिए हे भव्य तू इस सहज ज्ञान की सहज साधना कर, ऐसा ज्ञान सहज पने प्रकट होगा। भजन में आप पढ़ते हो लोका लोक जलकता, जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकटता, जिसमें ऐसा मेरा सहज ज्ञान। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देवों ने खुशियां मना रहे, यह समाचार पुंडिकनी तक आया, पूरे राज्य में खुशी छा गई। महाराज श्रीपाल ने स्वयं खड़े होकर के भगवान को परोक्ष नमस्कार किया और नगरी में घोषणा कर दी और अपने भ्राताओं सहित परिवार सहित माता कुबेर श्री और अन्य अन्य पूरा परिकर भगवान केवली गुणपाल के दर्शन के लिए चल दिए। श्रीपाल परिवार सहित प्रभु दर्शन को जाते हैं, श्री चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा या सो जी बनी बनी महान। उसी समय जब वो जा रहे थे तो रास्ते में जाते काल में जब ब्याह हुआ है तो उनका कोई पूर्व भव का बैरी विद्याधरादिक उनने उनको मारने की योजना बनाई और दो विद्याधर थे, एक ने सुंदर यशक का रूप बनाया, घोड़े का रूप बनाया और घोड़े का रूप बना करके उनको हरण करने के लिए हरण करके इनको मार डालेंगे। तब जाकर के एक विद्याधर राजा ने जाकर के उनको क्या किया, सिख पुरुष ने सुंदर अश्वया करके भेंट दिया। महाराज वहां के राजा ने आपके लिए सुंदर अश्व दिया है। तैयारियां चल रही थी जाने की उस समय रास्ते में और उन्होंने वो अश्व भेंट दिया, बड़े स्नेह पूर्वक दिया है। महाराज श्रीपाल ने घोड़े को देखा तो उसकी सौंदर्य कहना क्या था, बड़ा सुंदर दिख रहा था, हाथ फेरते ही बड़ा सहज लग रहा था। तो वसुपाल को अपने उस पर बिठा करके और स्वयं उस घोड़े पर बड़े स्नेह पूर्वक उसको स्वीकार किया और वो लेक बैठ स्वीकार कर ली और स्वीकार करी जो भेंट तो वो ये दूसरा विद्याधर तो चला गया उस अश्व को देकर। लेकिन वो भेंट कैसी थी उसने ला करके घोड़े के दी थी, उसके लिए पुराणकार उदाहरण देते हैं सिद्धांत का। जो बेदिनी ने इंद्रिय विषय का अश्व तुम्हें भेंट दिया, जैसे साता वेदिनी ने अनुकूल इंद्रिय विषय रूपी अश्व को तुम्हें भेंट दिया है, ऐसी मानो महाराज श्रीपाल के लिए उस विद्याधर ने वो अश्व भेंट में वो घोड़ा भेंट में दिया था। बैठते ही उस पर अश्व आकाश में उड़ता पाते हैं, चक्री श्रीपाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा आसो जीवन बनी महान। जैसे बैठे क्या है उस पर और बैठ करके दो कदम चल नहीं पाए तब तक तो वो घोड़ा आकाश में उड़ पड़ा। सब लोग पकड़ते देखते रह गए, कहीं आगे हो तो अलग है, वो आकाश में उड़े जा रहा
और लेकर के उड़ाओ ना लगाम कीजिए, सब कुछ किया, लेकिन वहां कोई रुके कैसे, क्योंकि भाई कोई घोड़ा थोड़ी था भाई, तो विद्याओं का था, विशाल विद्याधारी एक बलवान विद्याधारी था। मारने के लिए यस बैठे मैं उसने दिया, इंद्रिय विषय भी मारक अस समसम जोरे जिया। हे जीव राजा, ये तुझे जो अनुकूल विषय सामग्री मिलती है भाई भी उसी प्रकार की मारक सामग्री है जैसे उस विद्याधर ने वो अश्व बैठ में दिया था, उसी प्रकार से ये साता वेदनी ने तो जी है मारक सामग्री भेंट में दी है। और जैसे ही तू इंद्रिय विषय रूपी घोड़ों पर बैठेगा तब क्या प्रसंग बनेगा? आचार्य महाराज कहते हैं, पाप गगन में उड़ा के तुझको फिर तो मारते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जी बनी बनी महान। जैसे भाई उड़ा करके ले गया ऐसे आकाश में वो दूरी ले जा रहा है, जहाँ परिवार नहीं है, जहाँ कोई अपने नहीं हो उसको, वहां एकांत में जाकर चक्रवर्ती श्रीपाल को मार डाले, श्रीपाल कुमार को मार डाले, इस योजना से ले जा रहा है। ऐसे ही है इंद्रिय के विषय तुझे पाप गगन में उड़ाने वाले हैं, पाप रूपी आकाश में उड़ता है जी। वाह पैसा, वाह वैभव, वाह विषय, वाह। और इनमें उड़ता हुआ फिरता है, उसको कुछ खबर नहीं है कि गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। पाप गगन में उड़ाने वाले हैं, फिर ऐसे गिरांगे जहां से तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और पहले ही काम करते हैं वे, जैसे वो अश्व पर बैठे तो पहला काम किया उसने उड़ाना, और इतना उड़ाया कि जहां परिवार नहीं है, जहां कोई नहीं है। ऐसे ही ये इंद्री के विषय तुझे इतना उड़ा के ले जाते हैं कि जहां देव नहीं है, सास नहीं है, गुरु नहीं है, आत्मा तो का कहने लगे, ना आत्मा है ना परमात्मा है। ऐसे एकांत पाप रूपी गगन में आकाश में जहां दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश, अरे आकुलता को निराकुल माने महाराज श्रीपाल तो मौत समझ रहे थे, लेकिन यह मूढ़ ज्ञानी तो ये समझता है कि इसमें कुछ शांति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, लेकिन तुझे पता नहीं है कि कहाँ उड़ा जा रहा है, कहाँ उड़ा जा रहा है, जहां मात्र तुझे मौत ही मिलने वाली है। और महाराज को श्रीपाल को उड़ा करके भय अश्व ले जा रहा था, और क्या होता है, प्रेरणा देती है माँ कि देखो कैसी विचित्रता, कहाँ के बिली के पावन दर्शन को वो जा रहे, कहाँ मारने अश्व ले चला बिसरा सब आनंद रे, विश्वस नहीं विश्वसनीय नहीं है ये संसार, गुरुवर कहते हैं चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जी बनी बनी महान। भैया ये संसार विश्वसनीय नहीं है, कम भगवान के निकट जा रहे थे अपने परिवार सहित खुशी के साथ में, और कहाँ उसको विश्वास करके उस घोड़े को स्वीकार कर लिया, और स्नेह पूर्वक सोचा चलो किसी ने भेंट दी है तो किसी के वात्सल्य को, किसी की भेंट को ठुकराना नहीं चाहिए। इस राजा ने हमारे प्रति अगर प्रेम दिखाया होगा, हम तो उसको जानते नहीं है, जानते भी नहीं थे, कोई विद्याधर राजा था। अरे तुम्हारा नाम सुना था, आप बहुत धर्मात्मा हो, आपका परिवार बहुत महान है, राजा को आपके प्रति बहुत प्रेम उमड़ा है, और उन्होंने आपको एक अश्व भेंट में दिया है, उन्होंने सुंदरता भी देखी और अंदर की भावना भी समझी के योग्य है और स्वीकार कर लिया। भैया संसार विश्वसनीय नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं
उपद्रव चैतन्य में नहीं स्थाई आनंद थान, वहीं सुबैठो आनंद सो स्थाई वही स्थान। अन्य भावों में बैठते दुख ही दिखाते हैं, चाकरी श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी महान। आचार्य भगवान कहते हैं संसार विश्वसनीय नहीं है, उपद्रव से रहित तो चैतन्य है, आनंद से वहां बैठो, स्थाई स्थान है उसको मत छोड़ो। जैसे अपना घोड़ा था, भले सुंदर नहीं दिख रहा था, सामान्य था, उड़ भले नहीं रहा था, जमीन पे चल रहा था, लेकिन वो जमीन पे चल रहा था वह तुम्हारी जिंदगी थी। ये आकाश में उड़ने वाले घोड़े में तुम्हारी जिंदगी थोड़ी है। ऐसे ही ये पाश्चात्य संस्कृति किसे रहित सादा संयम के अनुरूप जीवन जीना, इसमें तुम्हारी जिंदगी है। ये पाश्चात्य दुनिया में उड़ने में तुम जिंदगी नहीं है, ये तो उड़ा के ले जाएगी, बहुत सुंदर बहुत अच्छा, इतना उड़ेगा कि तेरा जीवन ही नहीं रहेगा, क्या करेगा इसमें। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार बनाकर जग में रहना। सादगी हमारे जीवन का सौंदर्य है, सादगी हमारे जीवन की सुंदरता है। सादगी को हीनता मत मानो, सादगी को अपनी सुंदरता मानो। और क्या होता है भाई, घोड़ा कुंवर श्रीपाल को उड़ा करके ले जा रहा था, तभी पाप और पुण्य की विचित्रता देखो भाई। शत्रु उड़ा के ले जा रहा है, तभी एक पूर्व भव का कोई देव धर्मात्मा, कोई देव ने देखा कि ये धर्मात्मा जो भगवान केवली के दर्शन को जा रहे हैं, इनके पिता केवली, इनके अंदर इतनी धर्म भावना, ये दुष्ट इसको मारने ले जा रहा है, और तत्काल ललकार लगाई, रे पापी, इस धर्मात्मा को तू मारेगा उसके पहले तेरी मौत आ जाएगी। अगर तू भस्म नहीं होना चाहता है तो तत्काल इन्हें छोड़। एक देव की ललकार सुन रत्ना बरते गिरी छोड़ा, गिरते ही आकाश सो राज्य सेविकों ने आ घेरा। क्या होता है, जैसी वह देव ने ललकार लगाई तब उसने उसी प्रकार छोड़ दिया, जैसे श्री गुरु की मंगलमयी वाणी गर्जना सुनकर है जीव इंद्री के विषयों को छोड़ देता है। देव की ललकार सुनते ही इनको कुछ हो गया तो तेरे प्राण सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, घबरा करके जी करके उसने पर्णलब्धि नाम की विद्या से आकाश से उन्हें छोड़ दिया। पर्णलब्धि विद्या पहले आपको बताया था, आकाश से गिरती है लेकिन धीमे धीमे, और नीचे आ जाते हैं, तो पर्णलब्धि नामन की विद्या से वो नीचे छोड़ा छोड़े, जैसे ही नीचे वो आए हैं उसी समय अनेक जो आकाश से उतरते आ रहे, और राज सेवकों ने देखा कि रत्नगिरी पर्वत वहां पर आज कोई पुरुष गिर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कोई सुंदर सा पुरुष लग रहा है। और आकर के बेचारों और जो सेवक गण इकट्ठे थे, जो वहां पर पहरा दे रहे थे, क्या पहरा दे रहे थे कि कोई आकाश से जो गिरे उसको तत्काल बड़े आदर के साथ सम्मान करना है,
और राजा को सूचना देना है। जय जयकार करते हुए उन सब को पाते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा आसो जीवन बनी महान। जैसी वो आकाश से नीचे गिरे आके राजसेव को न गिरा, मारा महापुरुष की जय, सात पुरुष की जय, कुमार साहब की जय, चारों तरफ उन्होंने आकर के जय जयकार लगाने लगे। और इधर राजा को पता समाचार भेज दिए कि आज आकाश से एक पुण्यात्मा पुरुष रत्नगिरी पर्वत पर आकर आकाश से सीधे गिरे हैं। और क्या किया, पुण्य पाप के लख विचित्रता श्रीपाल सहज रहे, सबके ज्ञाता दृष्टा हो वो समता धार रहे, इन सब में पुद्गल ना चिराय ये विचारते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा आसो जीवन बनी महान। सोचने लगे वे वर्णादिमान पुद्गली नाच रहा है, एक विद्याधर अस्त्र दे करके मारने ले ला रहा है, कुछ लोग आकाश से गिरते ही स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। सोच रहे थे इसने छोड़ भी दिया तो आकाश से गिरते ही मरण हो जाएगा, लेकिन पर्ण लब्धि विद्या से छोड़ा था तो धीमे धीमे आए, लेकिन आते ही आश्चर्य के कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, नीचे आए पुण्य व्यवस्था करने खड़ा है, पाप वहां से ले आया, पुण्य ने देव को लाया, इधर देव ने वो वहां छुड़वाया, वहां स्वागत के लिए आ गए लोग, वे देख रहे हैं जो को वो पाप का उदय ये पुण्य का उदय, भगवान आत्मा तो दोनों उदयों से पार है, है भगवान ज्ञाता द्रव्य है, ना उस उदय रूप होता है ना इस उदय रूप होता है, ये तो दोनों उदयों से पार ज्ञाता मात्र रहता है। नगर निपति को पता चला आते ही स्वागत था किया, निज कन्या संग विवाह करबो तो हर्षाया, इंतजार किया था जिसे घड़ी का सन्मुख आज पाते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महान। राजा आए स्वागत किया और अपनी कन्या के संग उनका विवाह कर दिया, पूरी नगर में उत्सव मनाया गया है। उन्होंने कहा निमित्त ज्ञानी से पता चला था कि मेरी कन्या के योग्य कौन होगा, कि रत्नगिरी पर्वत पर एक पुरुष जो आकाश से गिरेगा वह तुम्हारी कन्या का पति होगा, और वो सामान्य पुरुष नहीं होगा, वह आगे षटखंड का चक्रवर्ती होगा। ऐसा जब कहा था तो वर्षों से यही इंतजार किया जा रहा था, आकाश से कौन गिरेगा, आकाश से कब गिरेगा। श्रीपाल विचार कर रहे थे कि ये पाप है कि ये पुण्य है, भी तो दोनों से पार देख रहे थे, इधर कहां भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, कहां विद्याधर मारने लाया, कहां छोड़ा, कहां नगर का योग बन गया। ध्यान रखना अभी आगे कथा में पता चलेगा, आपको लग रहा होगा कि पहले पाप का उदय था अब पुण्य का उदय है, लेकिन श्रीपाल उसको भी पाप का उदय कह रहे हैं। समझ में आया क्यों कह रहे हैं पाप का उदय, स्वरूप को बुलाने वाला ये तो ठीक ही है, पाप का उदय क्यों कह रहे हैं, वो तो पाप का उदय है ही, लेकिन इस कुंड की विभूति को भी वे पाप का उदय कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आगे पता चलेगा।
कारण कहा उन्होंने इसको? अरे हमारे केवली भगवान के दर्शन छूट गए इस विभूति ने। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए जो हमें प्रभु के दर्शन छुड़ा करके विभूति दिला दे, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए वे सहज हैं, हर्ष विषाद भी कुछ नहीं है उसमें, जो कुछ है सो ठीक है। और फिर जब इस नगर के राजा हुए तो उनका प्रताप और प्रभाव देख करके, तेज देख करके, पुण्यात्मा के सामने ही लोग सहज पने झुक जाते हैं। अनेक विद्याधर आकर के सहज उनके सेवक हो गए और अपनी अपनी कन्याओं को उनको भेंट कर अनेक राजाओं के स्वामी हुए वे श्रीपाल। तेरे निज पुण्य योग से अनेक निपति हूँ बसे भये, शरणागते हो निज कन्याएं ले चरणों में झुको गए, कर्म रूप विष वृश्चिक पलिए वो तो विचारते हैं। चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा या सो जीवन बनी महान। विचार कर रहे हैं कर्म रूपी विष वृक्ष के फल हैं, इतना बड़ा राज संपदा के स्वामी हो गए और उधर क्या होता है? उदरे बसु पाल भ्राता के वियोग सो तत्क्षण मूर्छित ते वये। उधर माता कुबेरश्री भ्राता वसुपाल जो रास्ते में भगवान केवली के दर्शन को जा रहे थे, यो उपद्रव सामने जब आ गया भाई के जाने से, वसुपाल भाई के प्रति अतने अति स्नेह था, भाई जैसे ही आकाश में उड़ा है और इधर वे मूर्छित हो गए। और माता कुबेर श्री ने समझाया, फिर केवली के निकट गए। कुबेर श्री ने समझाया उनको, बस संयोग का वियोग ऐसा ही होता है, विकल्प मत करो, मूर्छा टूटी सो। और अपन तो उत्तम कार्य के लिए जा रहे थे, पहले भगवान के दर्शन को अपन चलते हैं, वहीं समाधान मिलेगा, क्लेश करने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। सुनवाणी किबली भगवान के निकट पहुंच गए। गुणपाल भगवान की जय। और भगवान के मंगलमय दर्शन करे, दर्शन करने के बाद दिव्य ध्वनि सुनी, दिव्य ध्वनि के बाद जो मन का खेल था उसको मिटाने के लिए जब केवली परमात्मा सामने विराजमान है तो विकल्प काय को करें कि कहाँ है भैया। सुन वाणी श्रीपाल की पूछ के और शांति तक कहते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा यासो जीवन बनी महान। केवली भगवान की दिव्य वाणी को सुनकर के अंतर से शांति आई है, लेकिन राग वो विकल्प बार बार सता रहा था भैया के प्रति। हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मेरे भ्राता का मिलन होगा कि नहीं होगा? उनने कहा, तुम विकल्प नहीं करो, ओ योग्य स्थान पर हैं और बहुत सी समृद्धि लेकर के कुछ दिवसों के बाद ही तुम्हारे निकट आएंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत पुण्यात्मा है, इस क्षेत्र के चक्रवर्ती होंगे। और केवली भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती है, ऐसा मंगल विश्वास करने वाले कुमार वसुपाल खेत छोड़ दिया, भगवान के दर्शन करके पुनः राज्य गए। प्रहता के अभाव में स्वयं राज्य का संचालन बड़े प्रसन्नता के साथ करने लगे। आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म क्रिया ना छोड़ना आत्मन, कर्म का उदय लाग,
उसका समाधान भी जिन वचनों माई तुमला। क्या कहना चाह रहे हैं? धर्म क्रिया मत छोड़ना। जैसे आप प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हो और बीच में ही आपके कोई अति स्नेह का वियोग हो जाए तो ऐसा लगने लगता है कि अब कब प्रवचन सुनने जाएं, अब तो समस्या खड़ी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, इतना बड़ा उपद्रव खड़ा होने के बाद में अभी वे राज की ओर नहीं जोड़ लौटे। अब पहले अपन व्यवस्था करते हैं, कुछ सेवकों से बात करते हैं, अन्य राजा गणों से बात करते हैं कि भैया की खोज कराते हैं, अब दर्शन को बाद में जाएंगे। नहीं, पहले भगवान के दर्शन करेंगे। इतना दुख हुआ, मूर्छित हुए, लेकिन पहले भगवान के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तेरी समस्या खड़ी हुई है उसका समाधान भी जिन वचनों में मिलेगा। सर्व समाधान जिन वचनों में पाते हैं, श्री पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी महान, राज सी वैभव से सजे श्री पाल सुदेश आए। फिर राजाओं को वशीभूत करके कुंवर श्रीपाल अपने स्वदेश पुंडिकी नगरी की ओर आए हैं। ये विदेह की कथा है। और जब वहां आए, सर्वप्रथम केवली प्रभु के दर्शन को गए। घर की ओर नहीं गए, सबसे पहले राजाओं से कहा कि हमारा काम एक अधूरा छूट गया था, इस पाप की विभूति ने, यह तो पुण्य की विभूति कह रहे लोग, तो भी तो कहते इस पाप ने हमारा बड़ा अंतराय किया। आपको हम मिले हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा दुख खिन्नता हुई थी कि हम भगवान के दर्शन को जा रहे थे, अब हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। भगवान केवली के दर्शन सबसे पहले हम वही कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्य छोड़ के गए थे, गंध कुटी की ओर गए हैं। जिनके दर्शन में इस कर्म ने अंतराय किया, हम लगते हैं श्री पाल चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवनी बनी महान, अंतर में यही खटक रही धिक्कार इस वैभव को। तुमको पता नहीं है, तुम खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे अंदर तो एक ही खटक रहती थी कि इस वैभव को धिक्कार है। जिसने अंतराये डाला प्रभु दर्शन में मुझको, इस वैभव ने, इस पुण्य ने, पाप पुण्यवत पाप पाप ही कहूंगा मैं तो, जिसने प्रभु के दर्शन में मुझे अंतराय डाल दिया, वो तो पाप था ही, लेकिन ये पुण्य की विभूति को मैंने पाप ही समझा। ऐसा कर्म फल इष्ट नाई हम तो समझते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। करें प्रार्थना, भगवान के समक्ष शरण में पहुंच गए और भगवान के मंगलकारी दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते हुए भगवान की दिव्य वाणी सुनी, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। सब रानियां भी, सब राजा महाराजा भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और महाराज श्रीपाल भगवान के चरणन में प्रार्थना करने लगे। करे प्रार्थना चरणन में प्रभु ऐसा उदय नाई, तब चरणों से दूर महेश्वर हमको जो ले जाए। ये भगवान, ऐसा उदय ना आए हमारा, ऐसा पुण्योदय हमें नहीं चाहिए जो आपके चरणों से हमको दूर ले जाए, आपके दर्शन से दूर ले जाए। ए पुण्य उदय को पाप उदय बते हम तो लखते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते। ज्ञानियों का हृदय ज्ञानी जानते, अज्ञानी मूढ़ आत्मा तो कहेगा हाँ बढ़िया रहा,
पुण्य विभूति मिलने थी, पुण्य का योग मिलने थी, इसलिए ले गया। अरे तो कहते पाप पुण्य का होता है, वो वहां पाप के होता है, हमें भगवान के अंतर दर्शन में अंतराय करती है। कर प्रभु दर्शन पाने जे दर्शन और माई अरसाई, दिव्य धुनी सुन दिव्य तत्व लख परमानंद जरा। भगवान की वाणी सुनी और दिव्य तत्व का श्रवण अंतर में देख करके परमानंद धराते महाराज कुंवर। फिर पुंडरीकिणी नगर की ओर गमन सुकरते हैं। जे नहीं तब कि पुंडरीकिणी में थोड़ी सी भी महाराज केवली भगवान तो बहुत दूर थे, तो पहले उस देश में गए जहाँ वहां भगवान केवली गुणपाल विराजमान थे। फिर अब अपनी नगरी की ओर गमन किया और जैसे ही फिर नगर में किया प्रवेश, भैया को पता चला वसुपाल को महाराज श्रीपाल आ रहे हैं वैभव के साथ। खुशियां मनाई और उनके स्वागत के लिए आए, ऐसे ही खुशियां मना रहा है जैसे ज्ञानी अपनी खोई हुई परिणति को, खोई हुई ज्ञायक भाव को पा करके आनंदित होता है। सम्यक्त सन्मुख जीव को जैसे अपनी सानुभव रूपी नियम सम्यक्त रूप की परिणति का इंतजार रहा करता है, सम्यक्ति जीव को जैसे चारित्र का इंतजार रहा करता है, चारित्रवंत को केवल ज्ञान का पूर्ण अवस्था का इंतजार रहा करता है, ऐसे ही उनको अपने भैया का इंतजार था और भैया के स्वागत के लिए चले दिए हैं। फिर नगरी सजाई और नगरी में उनका प्रवेश हुआ। फिर नगरी में किया प्रवेश, आनंद नगरी माई छाए, जो परे आए नगर में यहाँ, जीवराज परमानंद बरसाए। बिरह में सुनी परिणति जिसे बिना सुपाते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी महा। जैसे पर्याय की नगरी में जो सुनी पड़ी हुई थी, जीवराज भगवान आत्मा आकर के परम आनंद को जराता है, ऐसी महाराज श्रीपाल आए उस नगर में और चारों तरफ खुशियां छा गई हैं। और पुनः राज तिलक राज तहाई राज संभाला और राज संभालने लगे हैं। उसी समय सब रानियां उनकी राजसी वैभव के साथ विरक्त रहकर राज संभाल रही थी। तभी एक घटना घटी है। क्या घटना घटी कि आकाश से रत्नों की वर्षाएं होने लगी, खुशियां छाने लगी हैं। अब क्रमशः देखो परिवार हो तो ऐसा हो, अब चलेगा प्रसंग किसका, जहाँ पिता केवली पुत्र तीर्थंकर पुत्र गणधर आप चक्रवर्ती। अब वो कथा तो मूल में ये है। फिरे महारानी जयावती देखे 16 सपने सुकुदाई, श्रीपाल महाराजा फल बतलाते उनको ये भाई। देवे गणिया गर्व महोत्सव को मनाते हैं, चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा न्यासो जीवन बनी मां। महारानी श्रीपाल महाराज की मुख्य महारानी रानी अभी जयावती 16 सपने देखने लगी। 16 सपने देखे मां गर्भ में आए त्रिभुवनी नाथ, हो 16 सपने देखे मां गर्भ में आए त्रिभुवन नाथ, पुण्यगिरी केणी पुण्यरी किनी
आनंद बरसाए, गर्भ में आए त्रिभुवनी नाथ। 16 सपने देखे मात, गर्भ में आए त्रिभुवनी नाथ। अचरज सो माता, अचरज माता को बहु ओए, प्रातः उठ गई निकट निपति के गई है सोए। सपनों दिक्पत लाए सुखमयी ब्रात, गर्भ में आए त्रिभुवनु नाथ। भगवान तीर्थंकर प्रभु माता दयावती के गर्भ में, भावी तीर्थंकर परमात्मा गर्भ में आए हैं, खुशियां छा गई। माता ने 16 सपने देखे हैं, इतरे इंद्र सभा में खलबली मच गई, खुशियां छा गई। और स्वयं सोधर में इंद्र ने पुंडरीकिणी की ओर चल दिया है। इधर 16 सपने देखे उसी समय माता पिता का अभिनंदन करके, और माता पिता का अभिनंदन किया है और अभिनंदन करके महाराज माता की सेवा में अनेक देवियां रुक जाती हैं। और कुछ दिवसों के बाद में जब नव मास पूरे हुए, तब आ गया था वही खुशी का प्रसंग, जिस खुशी के प्रसंग के लिए पूरी नगरी इंतजार कर रही थी, भगवान तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक। तो तीर्थंकर जो जन्मने वाले हैं, चक्र रत्न प्रकट होगा, उनके कुल में गणधर बनेंगे, वो स्वयं चक्रवर्ती होकर मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। और ये तीर्थंकर प्रभु कैसे दीक्षा लेंगे, कैसा महोत्सव मनेगा और कैसी कैसी अद्भुत वैराग्यमयी आनंदमयी घटनाएं घटेंगी, कैसे वे वैरागी होंगे, कैसे दीक्षा लेंगे, कैसा अद्भुत परिवार है जहाँ सब में पिता केवली हैं, पुत्र चक्रवर्ती हैं, एक स्वयं चक्रवर्ती हैं, पिता केवली हैं, पुत्र गण तीर्थंकर हो रहे हैं, दूसरे पुत्र गणधर होंगे उसी परिवार में, और पूरा ही परिवार धर्म की मानो मुक्ति की स्पृहा लगी हुई है। ऐसे अद्भुत आनंदकारी विधेय का एक परिवार भरत में कथा सुना रहे हैं उसकी, कि परिवार हो तो ऐसा हो। कथा का अगला दिवस अपन अगले दिन बांचेंगे, अभी का अपना समय हो गया है। ससनक महावीर भगवान की जय हो, नैमिनाथ भगवान की जय हो। दीपाल चक्र की मंगल कथा सुनाते हैं, परिवार हो तो ऐसा हो, आदर्श परिवार हम एक बताते हैं। चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा या सो जीवन बनी महा।